वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं किचन क्वीन का सेगमेंट। इस वक्त में क्या बात है, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ शेफ मुनीजा, और आज हम आपको सिखाएंगे वेजिटेबल पुलाव। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, वेजिटेबल पुलाव के लिए आपने क्या क्या लेना है वो बता दूँ सबसे पहले। तो हमारे पास तो यहाँ मौजूद थी फूल गोभी, वो ले ली मैंने, तकरीबन एक छोटी वाली फूल गोभी ले ली। एक गाजर था, उसके मैंने जो है उस तरह ट्राइंगल्स में कट कर दिया। साथ में मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने शिमला मिर्च ले ली। थोड़े से मटर रखे हुए थे, वो भी ले लिए। आलू रखे हुए थे, आलू तो हर घर में मौजूद होते ही हैं। तो हमने यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे ना घी ले लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर एक तेज़पत्ता शामिल करूँगी, एक बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ, एक दालचीनी की स्टिक शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, ठीक है, और 1 टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो 2 से 3 लौंग भी जो है हम इसमें शामिल कर देंगे, और हरी इलायची जो है वो 2 अदद आप लेके शामिल कर दें। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, लहसुन हमारा गोल्डन हो गया, इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे हम। साथ जो ये तमाम सब्ज़ियाँ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा हम 1 से 2 टमाटर जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिए थे। तो सिर्फ 1 टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 जो है ना हम चटनी में शामिल करेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे सफ़ेद मिर्च ले रहे हैं तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ठीक है, और काली मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच। अच्छा, ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 चाय का चम्मच। तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है, और इसको इतना कुक करना है कि आलू जो है हमारे थोड़े से गल जाएँ। अच्छा जी, हम वेट कर रहे थे कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएँ, उसके बाद हम बाकी आगे का प्रोसेस करें। तो मैंने अभी इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, जिस तरह आपके सामने बनाया था उसी तरीके से किया है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं 2 चिकन क्यूब जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो फ्लेवर इन्हांस होगा इसका, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा उससे, ठीक है। साथ साथ हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इसके अंदर नमक जो है उस वक्त डाला था वेजिटेबल्स के हिसाब से, अब मैं राइस के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने चिकन क्यूब शामिल करा है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो आपने वो बैलेंस करते हुए नमक इसमें शामिल करना है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया, मुझे थोड़ा पानी और कम लग रहा है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत डिफरेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा पुलाव जो है वो दम पे भी आ चुका है, और चावल बिल्कुल खिले खिले हमारे बने हैं। और जी ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है, कितना मज़े का पुलाव बना है। अच्छा, जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे देते हैं। मैंने क्या किया था, आधा कप घी ले लिया था 1/2 कप के करीब, उसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल करा, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 जो है काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची छोटी वाली, 1 जो है वो दालचीनी की स्टिक, हमने बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करा, उसकी खुशबू आ गई। तो मैंने इसके अंदर जो है वो आलू जो है 2 आलू ले लिए क्यूब्स में कटे हुए, वो शामिल कर दिए, 1 गाजर शामिल कर दी, 1 छोटी फूल गोभी शामिल कर दी, 1 शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट के वो शामिल कर दिया, 1 टमाटर ब्लेंड करके वो शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को किया, इसके अंदर मसाले जो मैंने शामिल किए थे, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च शामिल करी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करी, 0 पाउडर शामिल करा, 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला हमने शामिल करा 1 टीस्पून के करीब। जब आलू हमारे गल गए तो मैंने इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करा, 2 चिकन क्यूब्स शामिल करे, पानी इतना शामिल करा कि चावल से 1 इंच ऊपर तक पानी हो। चावल मैंने 500 ग्राम जो है वो सेला ले लिए थे, भिगो के पहले से 2 घंटे रख दिया था, चावल का पानी फेंक के मैंने इसके अंदर चावल शामिल करे, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करा। जब थोड़ा सा पानी खुश्क होने लगा तो इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें शामिल करी साबुत, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, मिक्स करा, दोबारा से ढक दिया। जब पानी और खुश हो गया, चावल नज़र आने लग गए, तो मैंने इसके ऊपर तली हुई प्याज जो है वो छिड़क दी, और दोबारा दम पे रख दिया। और बिल्कुल जब चावल आपका डन हो जाए, मज़ेदार सी खुशबू आने लगे, तो धुआंधार पुलाव जो है आप सर्व करें, और लाल चटनी के साथ मज़ा आ जाएगा।